हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन रिव्यूज टिप्स यूट्यूब चैनल पर। रेजिस्ट्रॉन टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। रेजिस्ट्रॉन टैबलेट का मुख्यतः उपयोग मानसिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में किया जाता है। टोरेंट फार्मा कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको 57 रुपीज में मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगी। दोस्तों, यह टैबलेट खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और सलाह की जरूरत होती है। यह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली टैबलेट है। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। रेजिस्ट्रॉन टैबलेट में नॉरेथिस्टेरॉन IP 5mg यह कंटेंट समाविष्ट है। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजर्स के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का उपयोग मानसिक धर्म का न आने की समस्या दूर करने के लिए यूज किया जाता है। इसे एंड्रोमेट्रियोसिस की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इसे गर्भधारण से बचने के लिए भी यूज किया जाता है। इसे पीरियड में होने वाले दर्द की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इसे एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की समस्या दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है। उस टैबलेट का अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर उस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ लें। याद रखें, इस टैबलेट का डोज आपकी समस्या पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी समस्या ज़्यादा हो तो इस टैबलेट का डोज भी ज़्यादा होगा। यदि आपकी समस्या कम हो तो इस टैबलेट का डोज भी कम होगा। इसलिए महिलाएं अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस टैबलेट का डोज उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। साइड इफेक्ट, उस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको मुहासे, थकान, चक्कर आना, मितली, उल्टी, हाई ब्लड प्रेशर होना, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इसे यूज करते समय सावधानियां। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं ये टैबलेट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। अगर आप पहले से ही कोई अन्य मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिसिन रिव्यूज टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।